हेलो एवरीवन। तो आज हमारे 4 डेज की जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, आज 5वां दिन है। तो अभी तक जो हमने आपको बताया है उसके बारे में ही हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, उसका प्रैक्टिकल यूज़ कैसे करना है ये आपको बताएंगे। आपको हमने बहुत सारी टिप्स दी हैं, बहुत सारे तरीके बताए हैं, उनका यूज़ कैसे करना है उसके बारे में हम देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे एक पेड़ बनाना है, एक ट्री को कैसे धीरे धीरे कंस्ट्रक्ट करना है, कैसे उसका ड्राइंग करना है, आउटलुक बनाना है, फिर कैसे उसमें शेडिंग करनी है। जैसा हमने आपको अभी तक 4 दिन में बताया है, आपने जरूर देखे होंगे 4 दिन के वीडियोस, और जिसका आज पहला दिन है वो जरूर पहले 4 दिन के वीडियोस देख लें, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ पेंसिल रखी हुई दिख रही हैं, ये मैं इसलिए दिखाया हूँ क्योंकि आपको दिख रही होगी इनका जो शार्प किया हुआ है जिनको, तो कैसे किया हुआ है वो भी आप देख लीजिए। ये भी एक छोटी सी टिप है लेकिन ज़रूरी है। इरेज जो हमारा नॉर्मल कटर होता है उससे उतना अच्छा शार्प नहीं होता है, एक ये नाइफ आता है इससे आप अच्छे शार्प कर सकते हैं, इसको आराम से यूज़ करें। और देखा आपने ये इसकी टिप टूट गई, इसका रीज़न है कि अगर आपकी पेंसिल कहीं गिर जाएगी, मतलब नीचे गिरने से पेंसिल को बचाएं, नहीं तो उसका जो आपका ग्रेफाइट है अंदर का वो बार बार टूटता रहेगा, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है काफ़ी, है ना। तो इसको गिरने से बचाएं अगर आप पेंसिल को टूटने से बचाना चाहते हैं। देख रहे हैं ये धीरे 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 करना है, और छोटे बच्चे प्लीज़ इसको ना करें, है ना, वो अपने कटर का ही यूज़ करें, उसी से पेंसिल को शार्प करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन जो इससे कर सकता है वो और भी अच्छी होती है। थोड़ी सी अपनी जो टिप है उसको बड़ा रखें ताकि वो जल्दी से घिस ना जाए, और अगर आप शार्पनर यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा उसको पेंसिल को घिस लें, क्योंकि शार्पनर से क्या होता है उसकी जो टिप होती है वो काफ़ी नुकीली हो जाती है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है ड्राइंग में। तो आइए शुरू करते हैं। एक ट्री को कैसे बनाना है आप देख पा रहे होंगे फ़ोटो में, एक ट्री लिया है हमने और उसको धीरे धीरे पहले उसका एक आउटर शेप बना लेना है, है ना, एक रफ। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा एग्जैक्ट ही बनाएं, क्योंकि पेड़ है, पेड़ कुछ अलग भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और आप देख रहे होंगे उसमें कुछ हिस्से दिख रहे हैं ना, कुछ डार्क दिख रहा है, एक पैच टाइप के आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे मैंने डिवाइड किया है आप भी वैसे ही उसको डिवाइड कर लें, और धीरे धीरे एक जगह से शुरू करें, पहले जहाँ पे हल्का हल्का डार्क है। कल हमने आपको सिखाया था day 4 में कैसे अलग अलग टोन में, जैसे यहाँ पे ये लो लाइट वाला एरिया है, फिर मिडिल, फिर डार्क, है ना, तो इस तरह से हम चलेंगे। तो अभी हम थोड़ी सी मिडिल टोन ले रहे हैं और लो लाइट वाला एरिया ले रहे हैं, अब धीरे धीरे हल्का हल्का डार्क करना चालू कर रहे हैं। 3 टोन मेन रखना है ना, फर्स्ट टोन मतलब कि जहाँ पे लाइट हो, जहाँ पे हम कुछ भाग को एकदम लाइट छोड़ देंगे, उस पर पेंसिल भी नहीं चलाएंगे, और कुछ भाग पे एकदम हल्की पेंसिल चलाएंगे, है ना, और बीच बीच में ये ब्रांचेस भी थोड़ी सी बनाएंगे, इससे जो पेड़ का रियलिस्टिक लुक होता है वो आता है। हम पूरे मतलब उसको भर देंगे, है ना, पूरा फिल कर देंगे अगर पत्तियों से ही, अपनी शेडिंग से ही, तो वो पेड़ जैसा नहीं लगेगा, वो अलग लुक देगा। तो आप देखेंगे ध्यान से, फोटोग्राफ में भी आप देख पा रहे हैं कि जो पेड़ है उसमें बीच बीच में ब्रांचेस कहीं कहीं नज़र आ रही हैं, है ना। तो ऐसे ही हम उसको साइड में, और लाइट एक साइड से आ रही है ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। कोई भी चीज़ में हम शेडिंग कर रहे हैं तो हमें एग्ज्यूम कर लेना है, मान लेना है कि लाइट एक तरफ से आ रही है, तो हम उसको ज़्यादा अच्छे से 3D इफेक्ट दे पाएंगे। अब जो पेड़ के एकदम नीचे जो उसका जो स्टेम दिख रहा है, तना दिख रहा है जो पेड़ का, वो पूरा डार्क रहेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा उसकी परछाई आएगी हमेशा, है ना, क्योंकि पेड़ के नीचे जहाँ एकदम नीचे होगा वहाँ पे धूप तो नहीं आ सकती है, है ना। तो उनको क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, जो ब्रांचेस दिख रही हैं उनको भी थोड़ा डार्क ही रखेंगे, क्योंकि वो पेड़ के अंदर ही हैं, तो उन पर छाया आनी ही आनी है, शेडो आनी ही आनी है। और देख रहे हैं आप धीरे 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 हमारा जो पेड़ का लुक है वो आता जा रहा है। हमने जो पैच बनाए थे, जो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था, उनको धीरे धीरे हम एक एक करके, है ना, इसको थोड़ा सा धीरे धीरे करना है, घबराना नहीं है कि अब ख़राब हो गया पहले ही। आपको ऐसा लग रहा होगा अभी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है मैं देखूँ अगर, तो लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो ये धीरे धीरे
अपना शेप ले रहा है ना, और जहाँ आपको लगे थोड़ा सा हो गया तो उसके बाद ये आउटलाइन जो हमने अलग से बनाई थी उसको मिटा देंगे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, है ना। तो इस ये बताने का पर्पज़ ये है, आप कोई भी चीज़ बनाते हैं उसको धीरे धीरे ले जाना है, मतलब एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, है ना। पहले से ही कोशिश नहीं करना कि हम दो मिनट में उसको फिनिश कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब आप देख पा रहे होंगे हमने थोड़ा सा आउटर जो थोड़ी छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं उनको कैसे नीचे डार्क होता है, और जो नीचे का साइड होगा जो लो वाला पार्ट होगा ट्री का वो हमेशा डार्क रहेगा, और जिधर से लाइट आ रही है उसके अपोजिट साइड भी थोड़े से हमें डार्कनेस ज़्यादा दिखानी है ताकि जो 3D लुक है हमारा वो आ पाए। और इस तरह से हम फोटोग्राफ में देख पा रहे होंगे आप कैसे कई कई जगह छोटी छोटी जगह डार्क है, कहीं लाइट है, कहीं पत्तियाँ निकल रही हैं साइड से, है ना। जो आउटर शेप है ट्री का उसमें थोड़ी सी ज़िगज़ैग पत्तियाँ बना देंगे ताकि वो थोड़ा सा और रियल दिखाई दे हमें। तो इस तरह से बहुत ही पेशेंस रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना है, और इसको मैंने ज़्यादा फास्ट नहीं किया है आज, क्योंकि ज़्यादा फास्ट करने से फिर आपको उतना समझ नहीं आता, तो आपको पूरा देखना है ताकि आप पूरा समझ पाएँ। ऐसा नहीं सोचना है हमने देख लिया बस अब आधा देख के हम ट्राई कर लेंगे, तो एक बार ज़रूर पूरा देखें। और जो आपको दिखाई दे रहा हो ऊपर वाले पार्ट को हम लाइट कर रहे हैं, नीचे वाले पार्ट को जो जहाँ जहाँ नीचे जो पैच हमने बनाया था उसका जो नीचे वाला पार्ट है ना ध्यान से देखेंगे। और अभी मैंने मन से इसलिए नहीं बताया, आपको एक रेफरेंस दिया है, ये जो फोटो आप साइड में देख पा रहे हैं एक रेफरेंस है ताकि आप समझ पाएँ कि कैसे हमें दिखाई देगा और कैसे हम उसको पेपर पे बनाएंगे, है ना। मैं चाहूँ तो मन से भी बना सकता हूँ, लेकिन मन से आपको फिर लगता है कि सर क्या कर रहे हैं हमें तो पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से शेडो ले रहे हैं कहाँ से लाइट ले रहे हैं। तो मैंने एक रेफरेंस लिया है ताकि आपको कंपेरिजन करने में आसानी रहे कि अगर ऐसा दिखाई देगा तो हम उसको कैसा हमारे पेपर पर ड्रॉ करेंगे। तो पहले रेफरेंस लेने में कोई बुराई नहीं है, आप भी ऐसे ही कोई ट्री लें एक और उसको बनाने की कोशिश करें, है ना। जो मैंने बनाया उसको भी एक बार कॉपी कर सकते हैं, है ना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कैसे पेड़ कहाँ से मुड़ा है, कहाँ से उसमें लाइट आई है, कहाँ से ब्रांचेज निकल रही हैं, कहाँ पे डार्क है। अब हम धीरे धीरे उसके जो स्टैम्प है, अभी नीचे हमने इसलिए क्यों नहीं किया था क्योंकि हमने ऊपर थोड़ा फिनिशिंग कर रहे थे, तो अगर हाथ लग जाता हमारा तो उसकी शेडिंग ख़राब हो जाती, तो हम कोशिश करेंगे ऊपर से नीचे आएँ थोड़ा सा, पहले ऊपर कर लें अपना ऊपर वाले पार्ट को, उसके बाद नीचे का करें ताकि जो हमारा ड्राइंग है वो साफ़ सुथरा रहे, है ना। और जो भी आप इरेज़र का, जब भी आप इरेज़र का यूज़ करें उसके बाद ब्रश से हल्के से उसको साफ़ कर दें, उस पर हाथ ना लगाएं नहीं तो स्मज हो जाएगा आपका जो ड्राइंग है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखना है ताकि आपकी ड्राइंग ख़राब ना हो, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं वो आपकी बेकार ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है। अब आप देख पा रहे होंगे हम अभी हमने बड़े पैच लिए थे, अब हम जो बड़ा पैच है उसमें भी छोटे छोटे यहाँ पे देख रहे हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चीज़ को, क्या आप देख रहे हैं उसमें कहाँ क्या दिखाई दे रहा है, है ना। ये छोटी छोटी पत्तियाँ अब आपको बनती हुई दिखाई दे रही होंगी, और पेड़ और उभरता हुआ है ना, पेपर से लग रहा है कि हाँ ये रियल का पेड़ है, इस तरह से बन रहा है। मैंने पहले ही बताया कि लाइट आ रही है उधर से, तो उसके अपोजिट साइड में या नीचे साइड में हमें डार्क ही दिखाई देगा, और ये ब्रांचेज हैं जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी उस पर लाइट जो उसका स्टैम्प है वो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का लाइट रहेगा एक साइड से, और एक साइड शेडो आएगी तो एक साइड डार्क रहेगा। तो इस तरह से ये हमारा ट्री बनता हुआ थोड़ा सा बीच बीच में थोड़ी जिग-जैग करके बना देंगे तो एक वो पत्तियों का लुक आ जाएगा, ज़्यादा हम लाइन नहीं दिखाई देंगे उसमें, लास्ट में उसको फिनिश करते टाइम जहाँ जहाँ थोड़ी पत्तियाँ दिखाई देंगी लगेगा कि पत्तियाँ निकल रही हैं, है ना। और जहाँ आपको लगे आपने गलती से डार्क कर दिया है वहाँ पर थोड़ा सा मिटा के हाईलाइट भी कर सकते हैं, है ना, ऐसी कोई बात नहीं है, एक बार बना दिया तो उसको मिटा। अब ट्री की शेडो, अब ट्री से हम, ये ट्री तो हो गया अकेला, थोड़ा सा अकेला लग रहा है,
तो इसको सपोर्ट करने के लिए हम इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बना देंगे हल्का, लेकिन हमें ध्यान रखना है हमने पेड़ में मेहनत की है, ये हमारा मेन सब्जेक्ट है ना, बाकी चीज़ें हम थोड़ी हल्की बनाएंगे और उनको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, तो हमारा पेड़ अच्छे से दिखाई देगा और बाकी चीज़ें इसके सपोर्ट में रहेंगी। पीछे थोड़ा सा ये कुछ है ऊंची नीची ज़मीन है, पत्थर रखे हैं, है ना, इस तरह से हम धीरे धीरे चीज़ों को ऐड करेंगे इसमें। तो एक ये हमारा अकेले एक पीढ़ी अकेले पेड़ से एक लैंडस्केप में कन्वर्ट हो जाएगा, एक छोटा सा पीछे घर बना देंगे जिसमें ज़्यादा डिटेल नहीं दिख रही है, बस उसका एक ही हिस्सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं बनानी है अभी, है ना, हमें मेन जो हमारा फोकस है वो ट्री है, तो हमने ट्री बना दिया, बाकी चीज़ें हम थोड़ी थोड़ी बना देंगे ताकि ये एक पूरी सीनरी हमारी पूरा एक सीन बन जाए, एक लैंडस्केप भी बोलते हैं इसको, है ना। तो इस तरह से हम ये एक घर बना देंगे। और इसमें छोटी छोटी चीज़ें दिखाएंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं करना है, हल्का सा बना देना, पीछे एक लाइन बना देंगे, उसमें कहीं दिख रहा है हमें जहाँ ज़मीन है, दूर हमें कहीं लगता है कि यहाँ आसमान ज़मीन मिलते हैं, तो इस तरह का कुछ सीन क्रिएट करेंगे और थोड़ा सा उसको बना देंगे, कहीं पेड़ हैं कुछ, थोड़ा बहुत पहाड़ हैं, इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो ये हमारा घर बनता हुआ, उसके आसपास थोड़ा सा घास झाड़ियाँ, मतलब नेचुरल लुक देने के लिए ना, ये सब चीज़ें थोड़ी सी ऑब्जर्व करनी है हमें, इससे क्या होता है जो हमारा ड्राइंग है वो और परफेक्ट लगने लगता है, लगता है कि हाँ ये कोई रियल जगह है, हमारी कोई इमेजिनरी जगह नहीं है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं, आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको नज़र आएंगी, अभी तक शायद आपने नहीं देखी होंगी, तो आप जब भी बाहर निकलें, अभी तो सब घर में ही हैं, जब भी बाहर निकलें तो ज़रूर ऑब्ज़र्व करें ये चीज़ों को, कैसे कोई चीज़ दूर है तो कैसी दिखाई देती है। इस टॉपिक पे भी हम आगे बात करेंगे, इसको पर्सपेक्टिव बोलते हैं, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आज, तो इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे आगे, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ड्राइंग का। और घर के पीछे एक हम हल्का सा पेड़ बनाया, देखना उसमें कोई डिटेल नहीं है, बस एक आउटलाइन बना के थोड़ी सी टहनियाँ बना दी, तो एक लग रहा है कि दूर से एक पेड़ है घर के पीछे, ठीक है। तो ये हमारा एक सीन, एक सीनरी कंप्लीट होती हुई, है ना। और लास्ट में इसमें थोड़ी सी और रियलिटी लाने के लिए हम क्या करेंगे अभी बताते हैं आपको, और जब भी आप ड्राइंग बनाएं उसमें अपना एक सिग्नेचर भी कर दें, ताकि और उसको एक स्केच बुक बना ले हो सके तो, उसमें संभाल के रखें ताकि बाद में आप देख सकें कि आपने कितना इम्प्रूवमेंट किया। और इसमें और थोड़ी रियलिटी लाने के लिए हम दो इंसान इसमें ऐड कर देंगे, तो और ऐसा लगेगा कि कहीं हमारा ये एक जगह है जहाँ पे दो लोग घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, इससे और इसमें रियलिटी आ जाएगी। और इनकी थोड़ी शेडो बना देंगे तो ये लगेगा इधर से लाइट आ रही है और ये लोग यहाँ घूम रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा सीनरी लगभग कंप्लीट होती हुई, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको करनी है, ध्यान देनी है, तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, हमने एक प्रोसेस फॉलो किया है और उसके ज़रिए आपको हम एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। तो आज हमने एक पेड़ बनाया और उसके बाद हमने एक पेड़ बनाने का बताया था, लेकिन उसके साथ साथ एक हमने उसको सीनरी में कैसे कन्वर्ट कर दिया, है ना। अपना थोड़ा सा इमेजिनेशन को यूज़ करना है और हम एक एक चीज़ से कोई नई चीज़ बना सकते हैं, ये आपने आज सीखा। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए, लाइक करते रहिए और लोगों को बताते रहिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि वो भी इस फ्री कोर्स का फ़ायदा उठा पाएँ। थैंक यू।